उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने परिजनों के खिलाफ जालसाजी कर रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। माधवनगर पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। उज्जैन के माधवनगर में रहने वाली एक महिला थाने पहुंची और लिखित में शिकायत की है। शिकायत पत्र के माध्यम से परेशानी बताई कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ हजारों रुपये की जालसाजी की है, जिससे मैं बेहद परेशान हूँ। माधवनगर पुलिस ने महिला के शिकायत पत्र को लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरे अंकल के अगेंस्ट आई थी, उन्होंने मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे 3 साल रखा उनके साथ और उस बीच उन्होंने मेरे खर्चे के अलावा मुझसे 3.5 लाख रुपये लिए। अभी दिसंबर में उनकी वाइफ ने मुझसे बिना पूछे मुझे बिना बताए मेरे बैंक से 50,000 रुपये निकाल लिए थे और जिसकी पता मुझे चली तो फिर मैंने अभी कंप्लेन करी तो उसके लिए अंकल आए थे अभी। आपके मामा ने आपके मकान की चाबी भी ले ली है क्या पूरा? मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं 4 महीने उनके साथ रही थी तो उस बीच उन्होंने मेरी मम्मी की रकम, मेरी मकान के पेपर्स, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे घर की चाबी सब कुछ ले लिया और मुझे देने से मना करते हैं, वो अब मुझे देते नहीं हैं। कमलेश मद्रोसिया, नुपुर पंथ, सेशन कोर्ट में क्लर्क है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।